नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों का। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत यात्रा से पहले अमेरिका की शीर्ष राजनयिक एलिस वेल्स ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अडिग हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रंप की यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, चीन से पूरी दुनिया में फैले कोरोना से अब तक 66,000 से भी अधिक लोगों के पीड़ित होने की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच खबर आ रही है कि चीन में करेंसी नोटों के जरिए कोरोना फैलने के संदेह पर इसके किसी तरह के लेन देन पर रोक लगा दिया गया है। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, पीएम नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले जगमबाड़ी मठ में पूजा अर्चना की और कहा कि संस्कृति और संस्कृत की संगम स्थली में आप सभी के बीच आना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाबा विश्वनाथ के सान्निध्य में, माँ गंगा के आंचल में संत वाणी का साक्षी बनने का अवसर बार बार मिलता है। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा कि ये एक एक दिल्ली वालों की जीत है, हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, दिल्ली के विकास के लिए प्रधानमंत्री का आशीर्वाद चाहता हूँ। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है, अहमदाबाद में प्रस्तावित नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियां जोरों पर चल रही है, जहां 24 फरवरी को वीआईपी और वीवीआईपी को छोड़कर स्टेडियम आने वाले लोगों को करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलना होगा। पुलिस ने बसों और कारों की पार्किंग के लिए स्टेडियम के आसपास 28 खाली प्लॉट्स को चुना है। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि सप्ताह में 3 दिन तक चलने वाली यह सुपर फास्ट एक्सप्रेस काशी को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और महाकालेश्वर से जोड़ेगी। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि वह एजीआर बकाए का भुगतान करेगी, लेकिन कंपनी का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। उसने कहा है कि अपना कारोबार तभी जारी रख सकती है जब सुप्रीम कोर्ट दूरसंचार विभाग को 53,000 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने के लिए दी गई समय सीमा में उदारता बरतने पर विचार करे। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम से संकेत मिलता है कि नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह अपराजेय नहीं हैं। इसके साथ ही राउत ने भाजपा की धर्म केंद्रित राजनीतिक राजनीति की आलोचना करते हुए अरविंद केजरीवाल नित दिल्ली सरकार के विकास कार्यों की तारीफ की। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 और नागरिकता कानून देश हित में जरूरी था और सारे दबाव के बावजूद हम अपने रुख पर कायम रहे और आगे भी रहेंगे। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, उत्तर भारत में इस समय एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान है। हवा की रफ्तार में कमी होने के चलते दिल्ली सहित संपूर्ण मैदानी इलाकों के हवा में प्रदूषण की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया। शपथ लेने से पहले मनीष सिसोदिया ने बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि 10 लाख का सूट खरीदने से अच्छा है जनता का पैसा जनता पर खर्च करें। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है, जामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में दिल्ली पुलिस के कार्रवाई की एक वीडियो वायरल हो रही है। इस पर कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी ने वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार अब भी एक्शन नहीं लेगी तो इसका मतलब है कि उसकी नीयत साफ नहीं। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है, दिल्ली पुलिस के 73वें स्थापना दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह गर्व की बात है कि दिल्ली पुलिस की शुरुआत भारत के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का काम बिना किसी धर्म जाति देखकर करती है। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पीली धातु पर तेजी से, दिल्ली सराफा बाजार में सोना 400 रुपए की मजबूती के साथ 42,470 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है, देश की शीर्ष 10 कंपनियों में से 8 का बाजार पूंजीकरण बीते सप्ताह 1.09 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, जिसमें सबसे अधिक लाभ रिलायंस इंडस्ट्री को मिली। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्री का बाजार पूंजीकरण 33,534.56 करोड़ रुपए बढ़कर 9,42,422.58 करोड़ रुपए पहुँच गया। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो ने अपनी ए सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार प्रतिदिन एक अंडा खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल जल्द नहीं बढ़ता है, इसके साथ ही हृदय संबंधी रोग को भी कम करता है। हालांकि इस रिपोर्ट में बस एक ही अंडा खाने की सलाह दी गई है। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के मोटेरा में बनकर तैयार हो गया है। इस स्टेडियम की कैपेसिटी 1,10,000 लोगों की है, जो विश्व के अब तक के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के तौर पर माना जा रहा है। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है, बिग बॉस घर के एंग्री यंग मैन सिद्धार्थ शुक्ला ने आसिम रियाज को हराकर बिग बॉस सीजन 13 का खिताब अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला को बिग बॉस की चमचमाती ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपए की धनराशि मिली है। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी फिल्म लव आजकल को बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग मिली है। 12.40 करोड़ की कमाई के साथ यह साल 2020 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली फिल्म बन चुकी है। जी हाँ, तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।